तो दक्षिण दिल्ली के बाद अब चलते हैं पश्चिम दिल्ली, और ये कहा जाता है कि पश्चिमी दिल्ली जिसने जीती उसने देश जीता, उसी की सत्ता दिल्ली में स्थापित होती है। इस सीट पर 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके महावल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने पिछले दो बार के सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर यहां से कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा है। मुकाबला कैसा है, जमीन पर मूड क्या है और चुनावी आंकड़े क्या बता रहे हैं, किसकी होगी पश्चिमी दिल्ली की सीट, बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम उत्तम नगर की या पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? पश्चिमी दिल्ली में एक तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है सर, आप देख रहे हैं, आप उत्तम नगर से आए होंगे तो आप तो कम से कम एक घंटे या दो घंटे लगे होंगे। बाकी यहाँ पर देखो सारी जगह रेडियो खड़ी है, जाने आने का साधन नहीं, बिल्कुल हर 24 आवर्स यहाँ बाजार लगा रहता है। और बाकी अनऑथराइज कॉलोनी, अगर ये ऑथराइज हो जाए कुछ हमें भी सुख मिले, इतने सालों जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकार गई, सब वादे करते हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे है वो है साफ सफाई का। यहाँ हमारा रोड अगर आप देखोगे यहाँ से ले जाकर आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे। अभी भीड़ है, गाड़ियाँ चल रही है तो शायद आपको नजर नहीं आएगा, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है। कूड़े की गाड़ियाँ एक एक हफ्ते तक नहीं आती हैं, हम फोन करके परेशान होते हैं, कूड़े के ढेर लग जाए तब हमें फोन करके स्पेशली उठवाने पड़ते हैं। सीवर हमेशा ओवरफ्लो रहते हैं, वो हम लोगों को कई बार पर्सनल 500 रुपये देके गली वाले इकट्ठे करते हैं, हम लोग सीवर क्लीन कराते हैं, वो हमेशा भरे रहते हैं। तो लोकसभा चुनावों को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बोलबाला किसका रहेगा, अगर हम पश्चिमी दिल्ली की बात करते हैं? देखो बोलबाला, ये देश का चुनाव है, लोकल मुद्दे अलग हैं, ठीक है। देश का चुनाव में तो आएगा तो मोदी, इसलिए हमने पिछली बार भी उनको यहाँ पे जो है 65 से अबव उनका यहाँ पे परसेंटेज था। तो हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो वहां पर जनता का मूड बता रहे हैं। मैं सीधे यहां पे निर्जा जी का रुख करना चाहूंगा। निर्जा जी, आपसे मैं पश्चिमी दिल्ली पर ही आप नजरिया जानना चाहता हूं कि आप क्या किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं। पिछली बार 578,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे प्रवेश वर्मा, इस बार कमलजीत सहरावत मैदान में है, क्या लग रहा है इतने बड़े अंतर को पाट पाएगा गठबंधन? देखिए दिल्ली में यही प्रॉब्लम है कि जिस मार्जिन से पिछली बार जीते थे लोग, अब वो गौतम गंभीर 4 लाख से जीते थे, अब तो वो पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, तो वो 4 लाख या 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन को पार करना, मान लीजिए भाजपा के सांसदों के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसीज है जो है, क्योंकि कैंडिडेट सबको बदल दिया गया को छोड़ के, तो ऑब्वियसली पार्टी का मानना था कि एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ और नए चेहरों को लाना चाहिए, जो कि किया गया है। पर फिर भी इतना बड़ा 5 लाख बहुत होता है, मान लीजिए आपकी एंटी इनकम्बेंसी है 3 लाख भी आप कम हो जाते हैं, 4 लाख भी कम हो जाते हैं तो भी जीतने की संभावना तो है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, अनलेस कास्ट का फैक्टर, जैसे कि साउथ दिल्ली में है, गुजर बेस्ड है, वहां बिदूरी का वो एरिया रहा है, वहां अगर कास्ट भी फैक्टर बन जाता है नेशनल इश्यूज के साथ साथ नरेंद्र मोदी की शख्सियत और नेतृत्व के साथ साथ, तो अलग चीज है। एक क्या एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली की हैं जहां की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत सकता है, सवाल यही पूछा जा रहा है, या फिर रिपीट होगा 7/7 का।